बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सेहस पाटे और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल सत्तार हाशमी। आपके लिए लेके आया हूं उस मैच के हवाले से अपने तजजिया और एनालिसिस जो इंशाल्लाह ताला अभी खेला जाएगा। आपने पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब देखी जो कि बहुत ही पुरनूर रंगों नूर से आवेजा थी और इसमें हमारे फनकारों ने बड़ी मेहनत की और इस महफिल को बड़ी खूबसूरती से सजाया और आप लोगों को यकीनन मजा आया। अगर आप तैयार होंगे अगले मैच के लिए जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में खेला जाने वाला है और ये मैच बड़ा कांटेदार होगा इंशाल्लाह, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं अपना तजिया जो दूंगा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर और वो तमाम अदाद शुमार जो इन दोनों टीमों के हवाले से हमारे सामने हैं उनको मद्देनजर रखकर हमने एक फार्मूला बनाया है जिसमें हमने कीमतें पुट की हैं और अब आपको बताते हैं कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी और कौन सी टीम जो है वो रह जाएगी। मुकाबला है कराची और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच में, मुकाबला है अमाद वसीम और सरफराज के दरमियान में। सरफराज जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके पास ये एक मौका है कि वो अपनी क्यादत को और अपनी बैटिंग को साबित कर सकेंगे। सरफराज के जो तरकश है जिसमें बड़े तीर हैं उसमें क्रिस गेल का नाम है। क्रिस गेल ने ये टीम चेंज की है और वो क्वेटा की तरफ से खेलने आ रहे हैं। इससे पहले जितने सीजन गुजरे हैं उसमें तो उनका बल्ला नहीं चला और शाही टीम की जितनी भी तवक्कुआत थी वो उस पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन इस दफ़ा वो बड़े पुरजोश है और वो अपने पाकिस्तान के और दुनिया भर के जो शायकीन और मदईन हैं उनके बारे में उनका ख्याल है कि मैं अपनी अच्छी बल्लेबाजी से उनको महसूस करूंगा। तो अगर क्रिस का बल्ला चल जाता है तो फिर कराची के लिए मुश्किल हो सकती है। और इसके अलावा आपको बताऊँ कि डब्ल्यूएससी जो है वो भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के बाद पूरी कमर तोड़ तैयारी के बाद जो है वो इस मैदान में उतरेंगे और अगर उनका बल्ला क्लिक करता है तो वो भी परेशानी का बायस बन सकते हैं। डेलपोर्ट हैं और इसके कटिंग हैं तो सरफराज की जो ताकत है वो ये है। दूसरी तरफ अमान वसीम जो है वो बाबर आजम को लेकर आएंगे और बाबर आजम का बल्ला जो है वो अभी आपको पता है कि न्यूजीलैंड में वो जख्मी हो गए थे, उनके अंगूठे पर मसला आ गया था तो उन्होंने फिर मैच नहीं खेले और जब पाकिस्तान आए तो यहाँ भी इन्होंने T20 में पहले दो मैचेस में तो एक में सिफर था एक में पाँच था तो अगले में उन्होंने 40+ रन्स किए थे और इस वक्त वो पारी का खासे पुरुमीद हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और उनके साथ इंग्राम जो हैं वो भी बड़ी फॉर्म में हैं, वो भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। शर्जील खान जो हैं वो ओपनिंग में आपको मज़ा देंगे और अपनी भरपूर जा रहाना बैटिंग से सबको महसूस करेंगे और अपनी टीम के लिए भी खातर खास साबित होंगे। और उसके अलावा ऑलराउंडर्स में वसीम खुद भी हैं और उनके साथ डेन क्रिश्चन होंगे, दोनों ऑलराउंडर हैं और दोनों धजियां बखेर सकते हैं। बड़ा नाम इसमें मोहम्मद आमिर का है। मोहम्मद आमिर और क्रिस गेल जब सामने आएंगे एक दूसरे के गेल तो वो देखेंगे कि उसमें आमिर की गेंदें जो हैं वो उनको कितना परेशान करती हैं या आमिर की गेंदें उनके लिए बिल्कुल हलवा साबित होती हैं और क्रिस गेल जो हैं वो उठा उठा कर बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं। तो दोनों का अगर मुवाजना किया जाए, क्रिस गेल का PSL में जितनी परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए, सरफराज की परफॉर्मेंस को देखा जाए और उसके अलावा इधर बाबर आजम की और मोहम्मद आमिर की और इंग्राम की और शादाब की, अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में आज का जो मैच है कराची के हक में जाएगा। और अमाद वसीम जो हैं वो बड़ी हिकमत अमली के तहत आएंगे और अगर उन्होंने आते ही क्रिस गेल को पकड़ लिया तो फिर ये मैच जो है ये खासी हद तक उनकी तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स की फतह लिखी जा चुकी है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स को यहाँ नुकसान होने वाला है, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। तो इसी तरह हम आपको तमाम मैचेस के बारे में बताते जाएंगे, साथ साथ कल से जो मैचेस दोबारा आएंगे हम आपको खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया।